शुरुआत शिवसन में आपसे ही कर लेता हूं, क्योंकि बम्पर वोटिंग हुई है पूरे राजस्थान में कल विधानसभा चुनावों के दौरान, लेकिन जयपुर ऐसा इलाका है जहां तो रिकॉर्ड टूट गए हैं। तो ये जो मतदान वोटिंग हुई है और परसेंटेज में इतना बड़ा इजाफा हुआ है, इसके क्या मायने निकालें? राजस्थान में किसका राज होगा? राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा? पर किसको बैठाना है मतदाता ये भी तय कर चुके हैं, बस पर्दा हटना बाकी है। लेकिन एक आंकड़े जो बताते हैं, यदि पिछले 5 विधानसभा चुनाव के देखे जाए, जब जब बम्पर वोटिंग हुई है, यानी कि वोटिंग ज्यादा हुई है पिछली बार की तुलना में, सत्तारूढ़ दल को इसका नुकसान उठाना पड़ा है। मसलन मैं 1998 के चुनाव की बात करूं, जब 63.9% मतदान हुआ था, कांग्रेस को 153 सीट मिली थी और बीजेपी को केवल 33 सीट मिली थी, जबकि 2003 में 67% यानी कि 3.79% ज्यादा मतदान हुआ था 1998 के मुकाबले। तो उस वक्त बीजेपी को फायदा हुआ, बीजेपी की 120 सीट के करीब आई और 56 सीट कांग्रेस को मिली थी। इसी तरह से 2008 की बात की जाए तो 66% मतदान हुआ था, 66% मतदान, यानी कि यह मतदान जो साल 2003 है उसकी तुलना में करीब 0.93% कम था। और इसका फायदा बीजेपी में को नुकसान हुआ था, क्योंकि 120 में से 78 सीट आई थी, जबकि कांग्रेस की सीट 56 से बढ़कर 96 तक पहुंच गई थी। बड़ा आंकड़ा है। 2013 के आंकड़े की यदि बात कर ली जाए तो 75.4% वोटिंग हुई थी टोटल, और 2008 में जो कि करीब पिछले बार के यानी कि 2008 के मुकाबले 8.7% ज्यादा मतदान था। तो मतदान ज्यादा हुआ, बीजेपी को फायदा हुआ, बीजेपी के 163 सीट आई और कांग्रेस केवल 21 सीटों पर सिमट कर रह गई। 2018 यानी पिछला आंकड़ा तो पिछले चुनाव का आपने बता ही दिया, 74.6% मतदान हुआ था और यह मतदान 0.98% ज्यादा था, कम था। तो इसका फायदा कांग्रेस को मिला, बीजेपी को नुकसान हुआ। इस बार कुछ मतदान का प्रतिशत बड़ा है, तो निश्चित तौर पर सत्तारूढ़ दल को कहीं ना कहीं चिंता करने की जरूरत है कि जो पुराने ट्रेंड है वो यही बता रहे हैं कि जब भी मतदान ज्यादा होता है, चाहे वो कितना भी ज्यादा हो, 1% से अगर ज्यादा होता है तो उसका खामियाजा सत्ता पक्ष को उठाना पड़ता है। और खास बात है कि राजस्थान के इस बार के चुनाव में तमाम तुष्टिकरण का मामला हावी रहा, जातिवाद का मामला हावी रहा था, चिरंजीवी योजना कांग्रेस ने लगातार जनता के बीच में बताने की कोशिश की, लेकिन जो नए जिले बनाए गए थे, जो 500 रुपए में गैस सिलेंडर था, क्योंकि बीजेपी ने 450 रुपए में बोल दिया था, तो इस तरह के जो मुद्दे थे वह बहुत ज्यादा असरदार नहीं रहे। नए जिले बनाने का मामला किसी भी नेताओं की तरफ से नहीं बोला गया, यहां तक कि उनके प्रत्याशियों की तरफ से भी उस जोर शोर से नहीं उठाया गया जितना क्रेडिट उन्हें लेना चाहिए था। तो इस बार जनता ने अपना मन बना लिया है। महिला अत्याचार को लेकर लगातार बात उठती रही थी, पेपर लीक को जब हमने कल वोट डाल रहे लोगों से बातचीत की थी तो उन्होंने यही कहा कि सुरक्षा, महिला अत्याचार, पेपर लीक, सांप्रदायिकता, तुष्टिकरण, इस तरह के जो मामले थे उसे लेकर ही जनता ने अपना वोट दिया है। और अब सिंहासन पर किसे बैठाया जाता है इसका फैसला 3 तारीख होगा। लेकिन एक और चीज है रवि, कि इस बार बागी, चाहे बात कांग्रेस की जाए चाहे बीजेपी, उनका खेल बिगाड़ने वाले हैं। 54 सीट राजस्थान की ऐसी सामने आई है जहां पर निर्दलीय और बागी लगातार मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे थे। वोटिंग भी करीब 20 सीटों पर जहां पर बागी खड़े हैं वहां पर सबसे ज्यादा इस बार पिछली बार की तुलना में वोटिंग हुई है। तो ऐसे में समीकरण कहीं ना कहीं गड़बड़ाते नजर आएंगे। यही देखना होगा कि दावे जो किए जा रहे हैं जीत के, सत्ता या राज या रिवाज बदलने के, उसमें कौन कितना कामयाब रह पाता है, जनता ने किस पर भरोसा किया है, क्योंकि अब चुनाव खत्म हो चुका है, मतदाताओं ने अपना फैसला दे दिया है, अब ईवीएम का खुलना बाकी है। और जब ये पर्दा हटेगा तभी पता लगेगा कि राजस्थान में नई सरकार यानी कि राजस्थान के लोगों की भविष्य की सरकार किस तरह से होगी, कौन मुख्यमंत्री होगा, ये तो पार्टी के आलाकमान तय करेगा, लेकिन जनता ने तो तय कर दिया कि किसकी सरकार बननी है और इसका फैसला 3 तारीख को सामने आ जाएगा। बिल्कुल, जनता ने अपना फैसला जो ईवीएम में कैद कर दिया और इसकी घोषणा जो है 3 दिसंबर को होगी।